एवरीवन, मैं हूँ स्वाति एंड द स्वाति किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है मेरे कंटेंट से, जो कि मैं आप ही के रिक्वेस्ट के ऊपर बना रही हूँ। और ये वाला जो वीडियो है वो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, जिन लोगों ने नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है या फिर आगे जाके यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब शुरू करने से लेकर अब तक का, वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जब हमारे 10 के सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया था। तो उस वीडियो के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइजेशन क्या होता है, एड्स कैसे आते हैं, आपको पैसा कितना मिलता है, मंथली आपका क्या सैलरी होता है, यूट्यूब आपको कैसे पैसे देता है, ये सारी चीज़ें जो है वो उस वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट में पूछी गई थी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाए। जितना यूट्यूब पॉलिसी में है उतना ही मैं आपको बताऊंगी, उसके अगेंस्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो 2017 में स्टार्ट किया था। दिसंबर 2017 में मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था। उसके बाद 8 मंथ यानी कि अगस्त में 2018 में मेरा मोनेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। मेरे चैनल के ऊपर मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ। मोनेटाइजेशन क्या होता है और ये कब इनेबल होता है? तो मोनेटाइजेशन मतलब आपकी वीडियोस के ऊपर एड आना। जब भी आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके बीच में या फिर उसके शुरू में, उसके एंड में एड्स आपको दिखाई देती है, तो वो एड्स आपके वीडियो के ऊपर शुरू हो जाना, इसका मतलब है मोनेटाइजेशन इनेबल होना। तो मोनेटाइजेशन कब इनेबल होता है, तो उसके लिए कंडीशन है यूट्यूब की तरफ से। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ये कंडीशन थी कि आपके चैनल के ऊपर 10,000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। 10,000 व्यूज़ यानी कि सारे वीडियोज़ के व्यूज़ मिला के 10,000, ना कि एक वीडियो के ऊपर, सारे वीडियोज़ के व्यूज़ मिला के 10,000 व्यूज़ आपके हो जाने चाहिए। लेकिन उसके बाद यूट्यूब ने अपना क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो क्राइटेरिया ये था कि जब आपके 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे और साथ ही साथ 4,000 घंटे का वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपका मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल होगा। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब तो 10,000 व्यूज़ का क्राइटेरिया था, लेकिन फरवरी में ही वो क्राइटेरिया चेंज हो गया। तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हुई, तो ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए मुझे 8 मंथ्स लगे। तो ये पीरियड जो है वो आपको पेशेंस से लेना पड़ता है। ये नहीं कि आपने शुरू कर दिया और मोनेटाइजेशन इनेबल ही नहीं हो रहा है, बीच में ही छोड़ दिया। तो अभी थोड़ी डिफ़िकल्टी है, तो आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। तो मोनेटाइजेशन शुरू होने के बाद आपके जो वीडियोस है उनके ऊपर एड्स आना शुरू हो जाता है। तो उसी के एड्स आने के बाद डायरेक्टली आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपको प्रोसेस करनी पड़ती है उसके अंदर भी। तो मोनेटाइजेशन हो जाने के बाद आपके एड्स आना शुरू हो जाता है। सो उसके बाद आपको एडसेंस का अकाउंट खोलना पड़ता है, गूगल एडसेंस का। तो यूट्यूब आपको डायरेक्टली पैसे नहीं देता, यूट्यूब आपके एडसेंस अकाउंट के ऊपर पैसे डालता है, और एडसेंस अकाउंट जो है गूगल का वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालता है। तो आपको गूगल एडसेंस अकाउंट खोलना पड़ता है उसके लिए। उसके बीच में कटिंग वगैरह ये सब होता रहता है। सो गूगल एडसेंस कुछ पैसे नहीं कट करता, यूट्यूब हमारे से कुछ पैसे जो है वो कटिंग करके गूगल एडसेंस में डालता है, और गूगल एडसेंस हमको वो मंथली पैसे दे देता है। तो वो पैसे भी कैसे आते हैं, उसके लिए भी क्राइटेरिया है। तो मैं शुरू से बताती हूँ, जब मोनेटाइजेशन स्टार्ट होता है तो आपके वीडियोस के ऊपर एड्स आना शुरू हो जाता है। तो ऐड आने के बाद जो भी आपके पैसे हैं वो डॉलर में स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पैसे आना शुरू हो जाए गूगल एडसेंस में, $1, $2, $3, जितना आपका वीडियोज है और जितने उसके ऊपर एड्स शुरू हो जाते हैं। तो $10 जब हो जाते हैं तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, एज वेल एज आपका आईडी वेरिफिकेशन होता है। ये दो प्रोसेस आपके हो जाते हैं। और जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस का जो प्रोफाइल है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपका एक एक्टिव बटन अपडेट होता है। एक्चुअली मेरे पास अभी उसके इमेजेस नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वाला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, तो उसके इमेजेस मेरे पास नहीं है। इसमें मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो टेक्निकल चैनल्स बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको डालनी पड़ती है, एक तो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे और आईडी वेरिफिकेशन होता है। तो ये कैसे होता है, तो जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस आपके घर पर एक पिन भेजता है। जो आपने एड्रेस गूगल एडसेंस के ऊपर दिया है उस एड्रेस के ऊपर
एक पिन डालता है, ये इस तरह का पिन होता है, देखो इस तरह का लेटर आपको मिलता है, इस तरह का लेटर आपको मिलता है और इसके अंदर एक कोड हुआ दिया हुआ रहता है, तो वो कोड आपको डालना पड़ता है। तो ये वाला कोड मैंने बहुत पहले ही डाल दिया है, तो वन टाइम कोड रहता है, जैसे OTP रहता है हमारा, वैसा वन टाइम रहता है। एक बार आपने डाल दिया तो वो फिर से यूज़ नहीं होता। सो ये जो पिन रहता है वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए रहता है, और दूसरा रहता है ID वेरिफिकेशन। तो ID वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जो भी आपका ID है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो भी आपका है, दोनों में से जनरली ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसका एक फ़ोटो निकाल के आपको अपलोड करना पड़ता है। वो बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो अच्छे टेक्निकल चैनल को आप फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम आए थे। जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था उसी टाइम पे गूगल एडसन का अकाउंट भी मैंने खोला था। गूगल एडसन के ऊपर जो एड्रेस मैंने दिया था वो मेरे पिछले घर का था। जब मेरे $10 कंप्लीट हो गए, मेरे गूगल एडसन के ऊपर एक्टिव बटन जो है वो भी दिखना शुरू हो गया, तो मैं वेट करती रही इस ये जो पिन आता है गूगल की तरफ से, उसका वेट करती रही मैं। और ऐसा नहीं कि मैं छोटे शहर में रहती हूँ, बड़े शहर में रहती हूँ, मुझे लगा 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, मैंने बहुत वेट किया, पूरा 1 हफ्ता वेट किया, फिर भी मुझे पिन जो था वो नहीं मिला। तो जो मैं जहाँ पे मैं रहती थी पिछले घर पे, वहाँ पे मैं हमेशा कांटेक्ट करती थी उनके जो ओनर थे, वहाँ पे मैं हमेशा कांटेक्ट करती थी कि मेरा अगर कुछ पिन आए गूगल की तरफ से तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो बहुत दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, अब 3रा हफ्ता होने को भी आया। तो मैंने सोचा अभी ये क्यों नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, जब जहाँ पे हम रहते थे पहले वहाँ पे गए और उनसे बात की, तो वो बोल कि नहीं अभी तक तो कोई भी गूगल का पिन यहाँ पे नहीं आया है। तो उन्होंने क्या किया, हमें उनका जो पोस्टमैन रहता है उस सोसाइटी में, जो पोस्टमैन आता है उनका नंबर उन्होंने हमें दिया। तो उनसे कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ आपका आया था गूगल एड्रेस, गूगल एडसन का ये जो लेटर है वो आपका आया था, लेकिन सब जगह पे मैंने पूछा, हर एक घर में पूछा, तो हर कोई बोला कि नहीं हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, तो मैंने इसे वापस भेज दिया। इस टाइम पे मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरी सारी जो मेहनत है वो पानी में जाएगी। तो आप ये गलती मत करना, जब भी आप एड्रेस देते हैं तो पूरा डिटेल में एड्रेस आप दीजिए, जो आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग नंबर या फिर जो कुछ भी है वो आप डिटेल में एड्रेस दीजिए। तो जब वापस चला गया तो वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप फिर से मंगा सकते हैं तो आप फिर से मंगाइए, मैं अगली बार आपको ही कॉल करूँगा जब गूगल से कुछ लेटर आ जाएगा। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कैसे फिर से आपको गूगल एडसन का पिन कोड मंगाना है, आपको 3 चांसेस रहते हैं, 3 बार आप मंगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार वापस चला गया या फिर कुछ हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप 3 बार जो है वो मंगा सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था मेरा वो तो कैंसिल हो गया, वो वापस चला गया, तो दूसरी अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, फिर से गूगल एडसन का जो पिन कोड है वो मंगाया रिक्वेस्ट करके। तो रिक्वेस्ट करके मंगाने के बाद 3 दिन के अंदर ही जो गूगल एडसन का पिन कोड है वो मुझे मिल गया। तो ये थी मेरी गूगल एडसन के पिन कोड से रिलेटेड जो कुछ गलतियाँ जो आप कभी ना दोहराए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरी बात रहती है आपका ID वेरिफिकेशन। ID जो रहता है आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, कुछ भी आप फ़ोटो निकाल के आप डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फ़ोटो जो है वो अच्छी लाइट में निकालना पड़ता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पैन कार्ड का फ़ोटो निकाल के ही उसके ऊपर अपलोड करें। आधार कार्ड के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से प्रॉब्लम देखी है, बहुत सारे कमेंट्स पड़े कि उनको आधार कार्ड उन्होंने डाला था। तो आधार कार्ड के लिए आपको फ्रंट और बैक दोनों फ़ोटो मैच करके, दोनों फ़ोटो कंबाइन करके आपको डालना पड़ता है। सजेस्ट करूँगी कि आप पैन कार्ड को ही ज़्यादा प्रेफर करें। तो मैंने पैन कार्ड का ही फ़ोटो डाला था। फ़ोटो लेते टाइम पे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसकी जो इमेज रहती है, जो उसके क्या बोलते हैं उसको, शैडो रहती है, वो नहीं दिखाई देनी चाहिए आपकी इमेज में। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपके पैन कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपके जीमेल में होनी चाहिए, यानी कि जो जीमेल अकाउंट आपने ओपन किया है यूट्यूब खोलने के लिए उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपके पैन कार्ड के डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं है तो पहले आप जीमेल के ऊपर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर दें, और चेंज करने के बाद ही फ़ोटो जो है आपके पैन कार्ड का वो अपलोड करें।
आपको ये गलतियाँ हो सकती है। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, मैंने पैन कार्ड की अच्छी इमेज क्लिक करके अच्छे से अपलोड किया तो वो 24 आवर्स के अंदर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन मुझे ये पिन के लिए बहुत प्रॉब्लम आया, जो कि मैंने एड्रेस अच्छे से नहीं डाला था, ये प्रॉब्लम मेरे से हुई। तो आप ये गलती ना करें। तो $10 कंप्लीट हो जाने के बाद, ये सब वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, अब अच्छे से आपका जो मोनिटाइजेशन का जो डॉलर का प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि अब $10 आए तो ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको पैसे आते जाएंगे। लास्ट मंथ आपका $10 इनकम हुआ तो अगले मंथ वो $10 का इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है $100। जब तक आपके $100 क्रॉस नहीं हो जाते तब तक आपको पैसे नहीं मिलते। हाँ, अगर आपको हर मंथ में आपके $100 कंप्लीट हो जाते तो अच्छी बात है, हर मंथ आपको इनकम आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक आपके $100 नहीं होते तब तक आपको इनकम नहीं मिलता। मान लो इस महीने में मेरे सिर्फ $10 हुए, अगले महीने में $20 हुए, तो काउंट करते जाता है, इस महीने के 10, अगले महीने के 20, यानी 30, ऐसे जब तक $100 नहीं होते आपको इनकम नहीं मिलता। सो मेरा जो मोनेटाइजेशन था वो अगस्त में इनेबल हुआ था। अगस्त में इनेबल होने के कारण ये मेरा जो पिन कोड है उसके प्रॉब्लम के कारण मेरे 2 महीने तो ऐसे ही चले गया। तो 2 महीने के अंदर मेरा $100 क्रॉस हो गया था। मेरा फर्स्ट जो पेमेंट है वो आई थिंक दिसंबर में मिला था, मतलब पूरा 1 साल मुझे वेट करना पड़ा। तो दिसंबर 2017 में मैंने चैनल जो है वो स्टार्ट किया था, और पूरा 1 साल वेट करने के बाद मेरा जो पेमेंट है वो मुझे दिसंबर 2018 में मिला था। और जो फर्स्ट पेमेंट थी वो मेरी दिसंबर में आई थी, और पेमेंट जो है वो मेरी कितनी आई थी वो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकती, लेकिन बहुत ही कम आती है। इसका एक ड्रॉबैक है यूट्यूब का कि आप जब जॉब करते हैं तो आपको पता होता है कि हर महीने आपकी पेमेंट आनी ही आनी है, चाहे वो 10 तारीख हो, 5 तारीख हो, 2 तारीख हो, किसी भी तारीख को आपकी जो पेमेंट आती है वो उस तारीख को वो पेमेंट जो फिक्स अमाउंट है वो आनी ही है। लेकिन यूट्यूब का ऐसा नहीं होता है, कभी आपको कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कभी तो मिलता भी नहीं है। तो इस पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार आपने वीडियो अपलोड कर दिया वो तो लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे सेव है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो उसके ऊपर व्यूज तो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले हैं। उस वीडियो के ऊपर आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, या फिर उस वीडियो के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। एक बार वीडियो डाल दिया, व्यूज बढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर मोनेटाइजेशन इनेबल होने वाला है, ऐड्स भी आने वाले हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जब आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है, वेरिफिकेशन के लिए कुछ समझ नहीं रहा है आपको, हमेशा छोटे यूट्यूबर से आपके क्वेश्चंस पूछें। मैंने भी ऐसा ही किया था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बड़े यूट्यूबर से मत पूछिए, मतलब पूछिए, लेकिन उनको उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, हर किसी के मेल का जवाब वो नहीं दे पाते हैं। हमको भी समझना चाहिए, तो वो भी इतने बिजी होते हैं तो हर किसी के मेल का, हर किसी के क्वेश्चन का जवाब वो नहीं दे पाते। तो अगर आपको जल्दी है, आपको इमीडिएटली आंसर चाहिए, तो आपके ऊपर जो यूट्यूबर हैं यानी कि जिनके 10,000 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, वो उस क्राइटेरिया से निकल गए हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थोड़ा सा भी आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लोग नए नए यूट्यूबर हैं या फिर आगे जाके यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।